रहीम व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने Adobe Dreamweaver CS5 के डॉक्यूमेंट टूलबार को समझा था, और अब इस वीडियो में हम Dreamweaver में मौजूद डिफरेंट पैनल्स को मैनेज करना सीखेंगे। व्यूवर्स, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर में जैसा कि Dreamweaver में बहुत से पैनल्स मौजूद हो सकते हैं, और उन पैनल्स को अपने हिसाब से और अपने काम करने की सहूलत की तरतीब से मैनेज करना जो है ये एक आर्ट है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम जो डिफरेंट पैनल्स मौजूद हैं हमारे पास Dreamweaver में, हम उन्हें किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स, राइट साइड पे आपको जो ये प्लेस नज़र आ रही है जहाँ पे आपको डिफरेंट पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये प्लेस कहलाती है डॉक पैनल। व्यूअर्स, डॉक पैनल में बहुत से पैनल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इंसर्ट का पैनल मौजूद है, और इनमें भी पैनल ग्रुप्स हैं। जैसा कि ये एक पैनल ग्रुप है जिसमें दो पैनल्स मौजूद हैं, AP एलिमेंट्स और CSS स्टाइल्स। इसी तरह व्यूअर्स आप देख रहे हैं नीचे भी कुछ पैनल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये एक पैनल जो हमारे पास फाइल्स का पैनल है, इसमें एसेट्स का पैनल भी मौजूद है, यानी ये एक ग्रुप पैनल है। व्यूअर्स, हम इन पैनल्स को अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से तरतीब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप AP एलिमेंट को देखें, ये हमारे पास जो पैनल है, अगर हम चाहते हैं कि ये पैनल हमारे पास इस पैनल ग्रुप में मौजूद ना हो, तो हम इसके हेड पर, ये जो हमारा टैब है, इस पर कर्सर लाकर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस रखते हुए इसे अगर हम ड्रैग करेंगे, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि जो हमारा AP एलिमेंट्स हैं, ये जो है इस पैनल ग्रुप में से बाहर आ गया ये पैनल हमारे पास। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे पैनल्स मौजूद हैं। अगर हम पूरी लिस्ट देखना चाहें कि हमारे पास Dreamweaver CS5 में कौन से पैनल्स मौजूद हैं, तो आप विंडोज़ के मेन्यूज़ में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे पैनल्स मौजूद हैं। इनमें से जिन पैनल्स के साथ चेक बॉक्स लगा हुआ है, चेक मार्क लगा हुआ है, वो पैनल्स इस वक्त एक्टिव हैं, यानी वो नज़र आ रहे हैं आपको, और जिनके साथ चेक मार्क नहीं है वो भी एक्टिव नहीं है। मतलब मैं अगर टैग इंस्पेक्टर के साथ चेक मार्क लगा दूँ, यानी इसको क्लिक करूँगा, तो व्यूअर्स हमारे पास देख रहे हैं आप कि CS स्टाइल्स के साथ टैग इंस्पेक्टर का जो पैनल है वो भी अब आ गया है। व्यूअर्स, इस पैनल को अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, तो मैं इसके साथ भी वही सलूक करूँगा, यानी माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस रखते हुए मैं इसे ड्रैग करके बाहर ले आता हूँ। और व्यूअर्स, अगर मैं चाहूँ कि टैग इंस्पेक्टर और AP एलिमेंट्स को मिलाकर मैं अपना एक पैनल बना लूँ, तो मैं टैग इंस्पेक्टर के पैनल को ड्रैग करते हुए जब AP इंस्पेक्टर के पैनल पर लाऊंगा, तो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का एक बॉर्डर बन गया है। अगर यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो व्यूअर्स आप देखिए हमारे पास बेसिकली दो पैनल्स का एक ग्रुप बन चुका है जो कि पैनल ग्रुप है। व्यूअर्स, इस तरह हम अपनी मर्जी से जो है पैनल्स को बना सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम डॉक पैनल्स को भी अपनी मर्जी से तरतीब दे सकते हैं। यानी डॉक पैनल से मुराद वो जगह जहाँ पर पैनल्स को रखा जाता है। व्यूअर्स, अगर मैं इस एक पैनल को ड्रैग करते हुए, यानी माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस उसके टैब पर रख के और उसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाऊँ, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं एक ब्राउन कलर का जो है एक डार्क एरिया हमारे पास अपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ, तो आप देखिए कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी डॉक पैनल अपीयर हो गया। यानी हम यहाँ पे भी अपनी मर्जी से पैनल्स जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी राइट साइड पर जो पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो आप इन पैनल्स को अपने लेफ्ट साइड पर भी जो है ले जा सकते हैं, और यहाँ से आप इन्हें बिल्कुल उसी तरह से वापस दोबारा अनडॉक भी कर सकते हैं, यानी दोबारा से वहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इसे क्लोज करना चाहें तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स हमारे पास एक और जो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है वो है व्यूअर्स इन पैनल्स को कोलैप्स करने का। कोलैप्स करने से मुराद ये कि व्यूअर्स ये पैनल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अगर ये CSS स्टाइल्स के पैनल पर मैं डबल क्लिक करूँ, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि वो कोलैप्स कर गया, यानी वो बिल्कुल स्मार्ट सा एक हमारे पास एक आइकन की सूरत में नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम फाइल के पैनल्स को भी कोलैप्स कर सकते हैं, अगर मैं फाइल्स के पैनल के टैब पर डबल क्लिक करूँ। इस तरह से हमारे पास ये जो पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जगह पे जो है वो हमें तमाम वो पैनल नज़र आ रहे हैं, और हमारे लिए कोई जो है ना समझ में आने वाली चीज़ नहीं लग रही इस वक्त हमें, या कोई बिखरा हुआ काम नहीं लग रहा। इसी तरह हम अपनी मर्जी से पैनल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप टॉप पर देखें, तो हमारे पास ये डबल एरोज मौजूद हैं जो कोलैप्स टू आइकन में कन्वर्ट कर देंगे हमारे इस डॉक पैनल को। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स, तो आप देखिए कि वो मेरे हमारे जितने भी पैनल्स हैं बेसिकली वो आइकन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और उन आइकन्स के साथ भी आप देख रहे हैं कि आइकन्स भी हैं और उसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ये पैनल्स कौन सा पैनल है। मसलन CSS स्टाइल्स का पैनल जो है उसका आइकन भी नज़र आ रहा है आपको, और CSS स्टाइल जो है वो लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर इस पैनल के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये पैनल हमारे पास अपीयर हो जाता है, और मुझे इसमें से जो काम करना है वो काम करने के बाद मैं दोबारा इस पैनल पर क्लिक करता हूँ, तो ये दोबारा से डिसअपीयर हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर मैं चाहूँ कि इन पैनल की विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, तो जब मैं इस डॉक पैनल और अपने मेन पेज के
दरमियान में कर्सर को लाता हूँ तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि ये डबल साइडेड एरो बन जाता है। अगर मैं इस वक्त माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके राइट साइड पर ड्रैग करूँ तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्मार्ट आइकन्स में कन्वर्ट हो गए हैं हमारे पैनल। और अगर मैं दोबारा से इसको बड़ा करना चाहता हूँ व्यूवर्स, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा राइट साइड लेफ्ट साइड पर, तो दोबारा से हमारे पास आइकन्स भी आ रहे हैं और उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो भी हमें नज़र आ रहा है। व्यूवर्स इसके साथ साथ एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है F4 की कमांड। व्यूवर्स अगर आप F4 की कमांड को प्रेस करते हैं तो आपके जो पैनल हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं, कोई पैनल आपको नज़र नहीं आएगा, आपको फुल पेज जो है काम करने के लिए दस्तयाब होगा। और जब आप कर्सर को राइट साइड पर लाते हैं व्यूवर्स, तो आप देख रहे हैं कि एक ब्राउन सा जो एरिया है इस पर जब मैं होवर करता हूँ यानी कर्सर को लाता हूँ तो ये हमारे पैनल्स का जो विंडो है वो अपीयर हो जाती है। मैं यहाँ से जिस पैनल को यूज़ करना चाहता हूँ उसे मैं यूज़ कर लेता हूँ और फिर दोबारा जब मैं इसको कर्सर को वहाँ से मूव करूँगा रिमूव करूँगा तो वो दोबारा से जो पैनल है डिसअपीयर हो जाएगा। व्यूअर्स मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसी तरह से पैनल्स को जोड़िए बनाइए तोड़िए अपनी मर्जी से डिफरेंट जगहों पर रखिए। इससे कोई घबराने की या परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ भी हो जाता है जस्ट आप डिज़ाइनर बटन पर जाके रीसेट डिजाइनर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो व्यूअर्स डिफॉल्ट सिचुएशन जो पहले से थी हमारे पास सॉफ्टवेयर की वो दोबारा से हमारे पास सामने आ जाएगी। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप इन पैनल्स को छेड़िए, इन्हें चेंज कीजिए, अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड कीजिए, डॉक कीजिए, अनडॉक कीजिए और इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए।